Good evening to all of you. In this video, I am going to talk about sick sinus syndrome, also known as sinoatrial node disease or sinus dysfunction. Important topic for university exam. So basically, sick sinus syndrome से हम लोग क्या समझते हैं ना? Terminology में ही sick लिखा हुआ है. Sick मतलब क्या? बीमार हो जाना है ना? तो कोई भी ऐसा underlying cause है जिससे कि sinoatrial node बीमार हो चुका है. बीमार हो चुका है इन द सेंस, जब हम लोग बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग अपने काम को एफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पर जो ऐसे नोड का काम है वो क्या है, इम्पल्स का प्रोडक्शन करना है ना. और जब भी कोई इम्पल्स प्रोड्यूसिंग सिस्टम में कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी होता है तो या तो वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि इम्पल्स का प्रोडक्शन बहुत जल्दी जल्दी करने लगेगा, या तो वो हाइपो एक्टिव हो जाता है, इम्पल्स प्रोडक्शन बहुत धीरे धीरे करेगा, या तो फिर कभी धीरे करेगा, कभी जल्दी करेगा, कभी धीरे करेगा, कभी जल्दी करेगा. तो ये सारा फीचर्स हमें देखने के लिए मिलता है सिक साइनस सिंड्रोम में. ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं. टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन, सिक साइनस सिंड्रोम इज डिफाइंड एज डिसफंक्शन ऑफ एसए नोड लीडिंग टू एबनॉर्मल हार्ट रिदम, दैट इज ब्रैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीटैकीकार्डिया. ब्रैडीकार्डिया में जो हार्ट रेट है वो हमें लेस देन 60 बीट पर मिनट देखने के लिए मिलेगा. टैकीकार्डिया में हमें हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट देखने के लिए मिलेगा. और ब्रैडीटैकीकार्डिया में हमें अल्टरनेटिंग स्लो और फास्ट हार्ट रेट देखने के लिए मिलेगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सिक साइनस सिंड्रोम, हमें यहाँ पे सिर्फ ब्रैडीकार्डिया या फिर टैकीकार्डिया या फिर ब्रैडीटैकीकार्डिया ही नहीं देखने के लिए मिलता है, हमें यहाँ पे साइनस ब्रैडीकार्डिया भी देखने के लिए मिल सकता है, साइनस अरेस्ट और साइनस पॉज देखने के लिए भी मिल सकता है, या फिर ऐसे ब्लॉक और एग्जिट ब्लॉक भी हमें देखने के लिए मिल सकता है. तो बेसिकली यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्लासिफिकेशन है ब्रैडी एरिथमिया का, जिसको हम लोग फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे. मेरे बोलने का मतलब ये है, क्या जब भी हमें सिक साइनस सिंड्रोम देखने के लिए मिलेगा तो वहाँ हमें स्पेक्ट्रम ऑफ एबनॉर्मेलिटी देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो ब्रैडीकार्डिया हो, चाहे वो टैकीकार्डिया हो, चाहे वो ब्रैडीटैकीकार्डिया हो, चाहे वो साइनस ब्रैडीकार्डिया और ऐसे नोड लेजी हो, या फिर साइनस अरेस्ट और साइनस पॉज हो, या फिर ऐसे ब्लॉक और एग्जिट ब्लॉक हो. तो बेसिकली ये सारा अपने में एक इंडिविजुअल टॉपिक है जो हम लोग फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और भी दिया गया, जो हमारा ऐसे नोड होता है उसमें टोटल टू टाइप्स ऑफ सेल में देखने के लिए मिलता है, पी सेल्स एंड टी सेल्स. पी सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पल्स फॉर्मेशन एंड टी सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स. तो सिक साइनस सिंड्रोम में हमें पी सेल्स और टी सेल्स दोनों में एबनॉर्मेलिटी देखने के लिए मिलती है. बट अगर पूछा जाए क्या मैक्सिमम एबनॉर्मेलिटी और मोर पैथोलॉजी इज सीन इन, तो आंसर हो जाएगा हमारा पी सेल्स. टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म मैंने पहले डिस्कस कर लिया, देर इज़ अ डिफेक्ट इन एसए नोड और इस वजह से क्या होगा, जो इम्पल्स का प्रोडक्शन होगा दैट विल बी टू फास्ट, टू स्लो और कॉम्बिनेशन ऑफ एवब टू. टॉकिंग अबाउट एसए नोड, नॉर्मली एसए नोड जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस करता है वो रेगुलर होता है, लेकिन यहाँ पे वो रेगुलर नहीं हो पाएगा. टॉकिंग अबाउट सिम्टम्स, मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन है वो एसिम्टोमेटिक है, पेशेंट को कोई सिम्टम्स ही नहीं प्रेजेंट होगा, या फिर सिम्टम्स आएगा सिम्टम्स जाएगा, तो पेशेंट नेसेसरी नहीं समझेगा क्या मेडिकल एडवाइस लिया जाए. अगर वहाँ पे टैकीकार्डिया का कंडीशन प्रेजेंट है तो वहाँ पे पाल्पिटेशन देखने के लिए मिलेगा. ओवरऑल ऐसे नोड के डिसफंक्शन की वजह से जो कार्डियक आउटपुट होता है उसमें हमें डिक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है, एंड देयर इज डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, और इस वजह से हमें वहाँ पे कन्फ्यूजन, फैंटिंग, डिजीनेस, फैटिग, ये सारा कंडीशन देखने के लिए मिलता है. तो पेशेंट हमारे पास यही सारा कंप्लेन लेकर के आएगा, वहाँ पे चेस्ट पेन का भी कंप्लेन हो सकता है. ठीक है, तो वेरियस कंप्लेन लेके आएगा, लेकिन बट जो मोस्ट कॉमन स्पेक्ट्रम है वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया. टॉकिंग अबाउट एज ऑफ प्रेजेंटेशन, तो एज ऑफ प्रेजेंटेशन जनरली 50 ईयर्स है. अगर ये कंजेनेटली प्रेजेंट है तो फिर हमें चिल्ड्रन में ये देखने के लिए मिलेगा, और चिल्ड्रन में हमें कब देखने के लिए मिलेगा, अगर कोई सर्जरी हुआ हो, यूजुअली अपर चैम्बर ऑफ हार्ट में. तो एज ऑफ प्रेजेंटेशन 50 ईयर्स क्यों है ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे समझते हैं. तो बेसिकली जो इसका सिक साइनस सिंड्रोम का अंडरलाइंग पैथोलॉजी है दैट इज स्कैरिंग, डिजेनरेशन एंड डैमेज ऑफ एसए नोड.
एस एन रोड में स्कार का फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलता है, डिजेनरेशन देखने के लिए मिलता है और डैमेज देखने के लिए मिलता है, यूजुअली ड्यू टू सार्कोइडोसिस, अमेलोडोसिस, चागास डिजीज, कार्डियोमायोपैथीज एंड हीमोक्रोमेटोसिस। तो यहाँ पे मैंने एक निमोनिक बना रखा है, दैट इज सैक और सच, जो भी आप बोले, SACCH। सर्टन मेडिकेशन जैसे कि डाइजॉक्सिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एंटी एरिथमिक मेडिकेशन, ये सारा क्या करता है, ऐसे नोड को है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिप्रेस करता है। टॉकिंग अबाउट डिजीज़, तो हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और माइट्रल वल्व डिजीज से भी रिलेटेड होता है सिक साइनस सिंड्रोम। जहाँ पे हमें कंजेनाइटल सिक साइनस सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे हमें म्यूटेशन देखने के लिए मिलता है इन अल्फा सब यूनिट ऑफ सोडियम चैनल, दैट इज SCN5A जीन में हमें म्यूटेशन देखने के लिए मिलता है। टॉकिंग अबाउट डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस हम लोग ECG पे डायग्नोस करते हैं इसे, ठीक है, और ECG पे हमें वेरियस स्पेक्ट्रम देखने के लिए मिलेगा, वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट, हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे, तो अगर ब्रेडी एरिदीमिया है तो हम लोग वहाँ पे पेस मेकर इम्प्लांटेशन करते हैं, और अगर टैकी एरिदीमिया है तो हम लोग वहाँ पे ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग ब्रेडी एरिदीमिया के लिए पेस मेकर को इम्प्लांट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू इम्प्लांटेशन ऑफ पेस मेकर जो हार्ट रेट है वो इनक्रीज होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन मैक्सिमम कंडीशन पहले ही हम लोग ड्रग्स स्टार्ट करते हैं जो कि ब्लड जो कि हार्ट रेट को कम करे, है ना, उसके बाद हम लोग वहाँ पे कार्डियक इम्प्लांटेशन करते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इन ब्रेडी एरिदीमिया पेस मेकर इम्प्लांटेशन और टैकी एरिदीमिया में हम लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करते हैं, और इन सम केसेस हम लोग इम्प्लांटेशन के पहले ही क्या करते हैं, टू कंट्रोल हार्ट रेट ड्रग्स यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग ECG को देखेंगे और इस तरह से हमारा जो सिक्स साइनस सिंड्रोम टॉपिक है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो हमें अगर वहाँ पे साइनस ब्रेडीकार्डिया देखने के लिए मिलेगा तो जो ECG है वो हमें नॉर्मल देखने के लिए मिलेगा, बस यहाँ पे जो हार्ट रेट है दैट विल बी लेस देन 60। तो वही यहाँ पे मैंने लिख रखा है, नॉर्मल पीवेव हार्ट रेट ऑफ लेस देन 60 बीट पर मिनट और एवरी पीवेव फॉलोड बाय QRS कॉम्प्लेक्स। हर एक पीवेव के बाद आपको यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, हर एक पीवेव के बाद QRS कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा। अगर ब्रेडी टैकी एरिदीमिया और टैकीकार्डिया सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पे आपको अल्टरनेट टैकी एरिदीमिया और ब्रेडीकार्डिया देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर हमें सिक साइनस सिंड्रोम में साइनस अरेस्ट देखने के लिए मिलेगा तो पी वेव के बाद QRS कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना, पी वेव के बाद QRS कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना, लेकिन यहाँ पर एक हमें यहाँ पे पॉज देखने के लिए मिला, दैट इज़ ऑफ मोर देन 3 सेकेंड, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पॉज दिख रहा होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, नॉर्मल पीवे एंड पॉज ऑफ मोर देन 3 सेकेंड विदाउट एट्रियल एक्टिविटी, है ना, यहाँ पे आपको टी वेव दिख रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे पीवे आपको दिख ही नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जैसा हमें अंडरलाइंग पैथोलॉजी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, उसी हिसाब से हमारा ECG भी वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिक्स साइनस सिंड्रोम। थैंक यू।